हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की है मेष लग्न और वृषभ लग्न की कुंडली के जो जातक हैं वो कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं, कौन कौन से रत्न उनके लिए वर्जित हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली के जो जातक हैं वो कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं और कौन कौन से रत्न उनके लिए वर्जित है, कौन कौन से रत्न वो नहीं पहन सकते। दोस्तों, मैं पहले भी रत्नों को लेकर के, जेमस्टोन्स को लेकर के दो वीडियोस बना चुका हूं जिसमें बेसिकली और विस्तार से आपको यह बताया है कि रत्न कब और क्यों पहने और रत्न पहनने की विधि क्या है, किस फिंगर में पहने, कब पहने, कैसे पहने। ये मैं आपको पहले उन दो वीडियोस में बेसिकली और बड़े विस्तार से बता चुका हूं। यदि आप ये जानना चाहते हैं, उन दो वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन दो वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको उन दो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि कौन सा रत्न मिथुन लग्न की कुंडली के जातकों को पहनना चाहिए। जो पहनना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बुध का रत्न पन्ना, जो ग्रीन एमराल्ड भी जिसे कहते हैं, ये पहना जा सकता है। शुक्र का रत्न ओपल या फिर डायमंड, ये भी पहना जा सकता है। शनि का रत्न नीलम, ब्लू सफायर, ये भी पहना जा सकता है। गुरु का रत्न जो कि पुखराज या फिर येलो सफायर है, वो भी मिथुन लग्न की कुंडली में पहना जा सकता है। कई लोग गुरु को बाधकेश मानते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में, लेकिन मैं बाधकेश गुरु को नहीं मानता। यदि आपको नहीं पता बाधकेश क्या होता है तो ये वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, बाधकेश नाम से है, आप उस वीडियो को देखिए और समझिए बाधकेश होता क्या है और एग्जैक्टली इसका अस्तित्व है भी कि नहीं। तो गुरु का रत्न पुखराज येलो सफायर भी इस कुंडली में पहना जा सकता है। तो ये जो चार रत्न ये पहने जा सकते हैं। अब कौन कौन से रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना है, वो है चंद्र का रत्न मोती, पर्ल, उसके बाद में सूर्य का रत्न माणिक या फिर रूबी, और मंगल का रत्न जो कि रेड कोरल या फिर मूंगा होता है, ये बिल्कुल भी मिथुन लग्न की कुंडली के जातकों को नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया कि मिथुन लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो आप कौन कौन से रत्न पहन सकते हो और बिल्कुल भी कौन कौन से रत्न आपको नहीं पहनने चाहिए। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि यदि विस्तार से आप जानना चाहते हैं कि रत्न कब और क्यों, आखिर रत्न क्यों पहने जाते हैं, साथ ही साथ इनका इनकी जो विधि क्या है रत्नों को पहनने की, यदि आप विस्तार से बेसिकली जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उन दो वीडियोस को देख सकते हैं जहां पर उन दो वीडियोस का लिंक दिया गया है। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।